रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे और बढ़िया रहना। सो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और हो चुके हैं हम रेडी। और आज जा रहे हैं हम उत्तराखंड, पहली बार अपनी बाइक लेकर और पूरी ग्रुप के साथ जा रहे हैं। और चलिए निकलते हैं और बाइक को भी वार्म अप करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपनी मीटिंग पॉइंट के लिए, जहाँ पे मेरे दोस्त मेरे से मिलेंगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरी पहली बाइक ट्रिप है और जब से जावा मैंने लिया मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया था, इसलिए मैं पहली बार जा रहा हूँ बाहर। तो चलते हैं, मिलते हैं राइड पे आप लोगों से। मेरी बाइक वार्म अप हो जाए, उसके बाद निकलते हैं राइड। हम लोग आ चुके हैं और अब सब अपना अपना जो है वो सामान पैक कर रहे हैं, जो गाड़ी पे सामान लगाना है सब अपना अपना लगा रहे हैं और बस निकलते हैं यहाँ से राइड के लिए, और एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल राइड के लिए, और आपको भी साथ साथ दिखाएंगे। सब लोगों के आने के बाद और सामान पैक होने के बाद सबका निकल चुके हैं हम अपनी राइड के लिए, और बहुत मज़ा आ रहा है इस राइड पर। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहली बार मैं जा रहा हूँ पहाड़ों की तरफ अपने ग्रुप के साथ। पहले हम अपने जो हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट था शिव ढाबा, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और आपको साथ साथ दिखाते हैं हम क्या क्या ऑर्डर करते हैं। हमने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लिया है और अब हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जो कि थी उत्तराखंड, और बहुत मज़ा आने वाला है इस राइड पर। सो बने रहिएगा मेरे साथ। हम हल्दीवानी पहुंच चुके हैं और चलते ही जा रहे हैं नैनीताल की तरफ। तो गाइस आप सामने देख सकते हो माउंटेन्स स्टार्ट हो चुके हैं और कितना अच्छा लग रहा है माउंटेन्स देखकर। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं माउंटेन्स में और मस्त है। अभी जावा बाइक से आया हूँ तो और मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ पे। बस अभी हम ये मार्केट एरिया में हैं, यहाँ से निकल के फिर ऊपर माउंटेन्स के लिए चढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं और आगे क्या क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अपने घर ये भंडारा चल रहा है यहाँ पर और बहुत रश है और ट्रैफिक लगा ही हुआ है, बहुत भीड़ है गाइस यहाँ पे। इसी साइड से निकल रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। और आगे हमारे चल रहे हैं बत्रा जी, मेरी राइड में बहुत हेल्प करी है मेरी। लॉन्ग वीकेंड पड़ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे को दशहरा, सैटरडे को वीक ऑफ, संडे को छुट्टी, तो सब लोग पहाड़ों की तरफ ही निकल जाते हैं जब तीन छुट्टियां मिलती हैं। तो यार हम चढ़ाई चढ़ने जा रहे हैं जो माउंटेन्स की होती है, आप देख सकते हैं सामने ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पर। आते और जाते समय दोनों साइड से ट्रैफिक है। आने के बाद फिर मैं आ गए हम रोड पे, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है लेकिन पहली बार चला रहा हूँ मैं पहाड़ों पे बाइक, तो हल्का बहुत थोड़ा सा 99.9% तो कॉन्फिडेंस है कि मैं चला लूँगा। 0.1 पता नहीं मैं कहाँ डगमगा रहा हूँ कि मैं चला पाऊँगा कि नहीं चला पाऊँगा, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। जैसा कि मुझे बताया आदि सर ने और मनीष जी ने और कृष्ण सर ने, कैसे चलानी है भाई, कैसे गियर भी चलानी है, वैसे भी चला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और चला भी रहा हूँ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को। बहुत मज़ा मेरे को बहुत आ रहा है। पहाड़ों में आते हैं ना तो एक पहाड़ों की अलग सी फ्रेग्रेंस आती है, और मतलब हवा, जैसे ही मैं पहाड़ों में एंटर किया हवा इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ठंड में आ गया हूँ कहीं पर, मतलब इतनी ठंड जैसी लग रही थी यहाँ पे आने पर, एंट्री पर ही इतनी ठंड लग रही थी। अब आगे देखते हैं, ऊपर चलते हैं नैनीताल और कितनी ठंड होती है यहाँ पे। विंटर्स के क्लॉथ तो मैं लेके आया हुआ हूँ, मुझे पता था, मैंने चेक भी किया था कि बारिश हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा जरूर। देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली मैं रिजॉर्ट पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ का व्यू आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है ये। तो गाइज ये बत्रा सर हैं हमारे, मनीष बत्रा सर, ये बना रहे हैं हम सबके लिए चिकन, ये देखिए।
कौन सा चिकन बना रहे हो सर? चिकन टिक्का। चिकन टिक्का, बहुत बढ़िया। जो किचन है वो चिकन वाला नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वो बत्रा सर के हवाले है, वही करेंगे सब कुछ। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खाता नहीं हूँ, आई एम वेजिटेरियन, बट देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बना होगा। बना रहे हैं हम लोगों के लिए दाल मखनी, और इसका टेस्ट करते हैं। भैया क्या क्या डाला है आपने इसमें? प्यार डाला है, बस प्यार डाला है भैया ने इसमें, अपना प्यार डाला है। अब इसको टेस्ट करते हैं और भैया को बताते हैं कैसी है ये।